राजधानी दिल्ली के नंदन नगरी में एक शख्स ने दो लोगों को गोली मारा और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। यह घटना मीत नगर फ्लाईओवर पर हुई। मृतक दिनेश शर्मा दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। घटना आज दोपहर करीब 12:45 बजे हुई, जब मीत नगर फ्लाईओवर पर मुकेश नाम के शख्स ने अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा की मौत हो गई, जबकि 30 साल के अमित कुमार का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। जानकारी के मुताबिक मुकेश कुमार ने अचानक से 7.65 mm की पिस्टल से अचानक ही गोली चलानी शुरू कर दी। पहली गोली एक बाइक पर चलाई, लेकिन बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी कि वह बाल बाल बच गया। तभी पीछे से दिनेश शर्मा आ रहे थे, जिस पर मुकेश ने गोली चला दी। दिनेश शर्मा को जब अस्पताल जाया गया तब तक देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद मुकेश ने स्कूटी पर जा रहे अमित पर गोली चलाई। गोली अमित की कमर में लगी। फिलहाल अमित का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। एएसआई दिनेश शर्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात थे। जब गोलीबारी की घटना हुई तो वह अपनी मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान आरोपी ने गोली चला दी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल शख्स की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई, जो शिव विहार करावल नगर के रहने वाले हैं। उनके कमर में गोली लगी है। घटना के वक्त वह अपनी स्कूटी से जा रहे थे। उन्हें GTB अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद आरोपी मुकेश एक ऑटो में जाकर बैठ गया और ऑटो ड्राइवर से चलने के लिए कहा। जब ऑटो ड्राइवर ने मना किया तो मुकेश ने ऑटो वाले पर भी गोली चला दी, लेकिन ऑटो चालक ने किसी तरीके से कूद कर अपनी जान बचाई। इसके बाद मुकेश ने ऑटो की पिछली सीट पर बैठकर अपने सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।